बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हिना किचन के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो वीवर्स, आज मैं आपके लिए चिकन पॉपकॉर्न्स की बहुत ही अच्छी और बहुत मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। इंशाल्लाह आपको और आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा दही। एक प्याली दही ले लीजिए आप और उसको अच्छे से बीट कर लीजिए। इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून नमक, 1/2 टेबल स्पून जो है सुरख मिर्चों का पाउडर, 1/4 टेबल स्पून जो है आपने गरम मसाला ऐड कर देना है इसके अंदर, और इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून जो है आपने वाइट पेपर्स डाल देनी है। इसके बाद जो है आपने इसके अंदर और ऐड करना है लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 खाने का चम्मच जो है वो आपने तकरीबन इसके अंदर डाल देना है लहसुन का पेस्ट, और 1/2 खाने का चम्मच जो है इसके अंदर अदरक का पेस्ट डाल देना है। इसको सबको अच्छे से हिला लीजिए, मिक्स कर लीजिए। इसके अंदर अगर आप चाहें तो तिक्का मसाला ऐड कर सकते हैं। तिक्का मसाला जो है वो ऑप्शनल है। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद जो है आपने इसमें डाल देना है अपना चिकन जो हमने बोनलेस लिया हुआ है। और आप ये देख, हम चिकन जो है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको 20 या 25 मिनट के लिए जो है आपने इसको मैरिनेट करके रखना है फ्रिज में। व्यूअर्स, अब हम जो है चिकन की कोटिंग कर लेते हैं। कोटिंग के लिए हमें चाहिए होगा मैदा, 1 कप लिया है मैंने। इसके अंदर आप जो है थोड़ा सा नमक डाल दें, 1/4 के करीब, 1/4 टेबल स्पून जो है वो चिलीज डाल दीजिए, और 1/4 जो है आप डाल दीजिए वाइट पेपर, और 1/4 टेबल स्पून जो है आप अदरक का पाउडर डाल दीजिए और इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। इसके साथ हमें चाहिए होगा पानी, और आपने पानी जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा लेना है, चिल्ड वाटर लेना है, बिल्कुल नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं लेना है। अब आपने चिकन को इस मैरिनेशन जो की हुई थी हमने इसमें से निकालते जाना है बाउल में से, और मैदे में सारा चिकन जो है डाल लेना है। इसको मैदे के साथ जो है अच्छे से कोट कर लेना है। ये हमने जो है 1 टाइम जो है इसको कोट कर लिया है मैदे के साथ। अब इसको हम पानी के साथ डिप करेंगे 1 टाइम, और फिर दोबारा से मैदे के अंदर कोट करेंगे। देखिए, मैंने 2nd टाइम भी जो है चिकन को कोट कर लिया है। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। ऑयल जो है आपने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस नॉर्मल रखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए व्यूअर्स, ये सारा चिकन जो है वो मैंने पैन में डाल दिया है फ्राई होने के लिए। अब हम इसे 7 मिनट तक जो है वो फ्राई करेंगे, और आपने इसकी साइड थोड़ी देर के बाद चेंज कर लेनी है। तो चलिए अब इसकी जो है हम साइड चेंज कर लेते हैं। आपने एक एक कर ऐसे सारे चिकन को जो है चेंज कर लेनी है उसकी साइड।
जो इसकी दूसरी साइड है वो भी डन होने तक आप वेट करते हैं। ये देखिए, ये हमारे चिकन पॉपकॉर्न जो हैं वो माशाल्लाह से बनकर तैयार हो चुके हैं। ये लीजिए, हमारे चिकन पॉपकॉर्न्स बनकर जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। आई होप आपको मेरी ये आज की रेसिपी पसंद आई होगी। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।